जी आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये रिमोट है, TCL का अपना ओरिजिनल जो है ना, जेन्युइन रिमोट है। और ये तार दी गई है इसके साथ, एक कंपनी की तरफ से ही तार है ये, TCL की तरफ से। और इसमें देखें, ये एक मैनुअल बुक दी गई है, गाइड बुक जिसे कहते हैं। और सेल है इसमें, TCL रिमोट के सेल हैं। तो ये इसमें इसका भी कोई पार्ट्स है TCL का, ये इनडोर का, सॉरी आउटडोर का फिटिंग में लगता है ये। और ये देखें, मैं आपको इससे आगे दिखाता हूँ, एक मिनट ये ना पैक कर लूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये TCL का AC है, इसका मॉडल है 18HEA, वाइट कलर में है ये। इसमें ये कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। और ये DC इन्वर्टर है, ये देखें DC इन्वर्टर है। इसकी थ्रो जो है ना, 20 फुट दूर तक थ्रो है इसकी। और इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। और इसके बाद है, ये बहुत ही अच्छा AC है, इस्तेमाल करें आप घर में, लगवाएं, इंशाल्लाह बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। ये पीछे इसकी नेट्स लगी हुई हैं, इसमें फंक्शन दिया गया है कि ऑटो क्लीन भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऑटो क्लीन आप उस सूरत में करेंगे, ऑटो क्लीन करने के बाद आप इसकी जो नेट्स की जा रही हैं वो निकालें, उसे धोएं अच्छी तरह, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, इसका कलर ये वाला वाइट कलर है। ये देखें, ये इसे मूव होता है, पंखा जो अंदर लगा हुआ है वो पंखा मूव होता है। उसे आपने वॉश किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये इसका जो है ना, वेव करता है थोड़ा साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे पंखा जो लगाता है ये। और इसमें ये देखें, इसका वारंटी कार्ड भी है साथ। वारंटी कार्ड के बाद मैं आप दिखाता हूँ, ये हायर के मेरे पास AC हैं, स्टैंड पे लगी हुए हैं जो हैंग किए हुए हैं डिस्प्ले में। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आप हायर की भी बात करूँगा, भी TCL की बात कर रहे हैं। ये AC किसी को भी चाहिए होगा, जिस किसी को भी चाहिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में से नंबर लें, मुझे कॉल करें, मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट किसी मॉडल्स पर वीडियो बनाऊँ आप तक इजीली आ जाए। और दिखाता हूँ आपको पूरा इंशाल्लाह इसका इसका आगे आ जाए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इसकी जो जाली है, जाली जो है ना ये वाली होती है, ऑटो क्लीन करने के बाद आपने ये जालियाँ बाहर निकाल के इसको अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करेंगे तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा, नहीं तो इसमें जो डस्ट है वो इसी तरह ही जो है ना मेल्ट हो जाएगी अंदर। ये इसका वारंटी कार्ड। और ये आउटडोर, दोस्तों आउटडोर हम कमरे के बाहर मतलब छत पे भी लगाते हैं, और बाहर दीवार के साथ भी इसे हैंग कर देते हैं। इसका जो यहाँ से साइडों से डैमेज हो जाता है, इसका कोई इशू नहीं है, अपने इसकी टेंशन ही लेनी, ठीक है ना। तो मैं दिखाता हूँ इसमें आपको, ये इसकी कुछ ये यहाँ पे ना स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई हैं, ये वाली इसके कुछ लिखे हुए हैं पार्ट्स, इंडोर आउटडोर इसके मॉडल लिखे हुए हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन भी इसमें दी गई है, आप देख लें। ये देखें, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पास ना 18 HFM AC जो है हायर के, ये भी हैं 18 HFM, 11,000 रुपये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। ये भी इन्वर्टर है, फुल इन्वर्टर। तो दोस्तों TCL की जो मैंने आपको पहले भी बताया था, TCL की 20 फुट थ्रो है इसकी, और इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स इंसानी टेम्परेचर के लिहाज से ये अपना जो है ना काम करता है, एकदम इंसान के ऊपर ठंड नहीं फेंकता, कूलिंग नहीं करता। तो इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ये देखें मेरे पास, ये डोलन सॉरी हायर के AC ये बड़े हैं। इसमें आपको डोलन्स का भी दिखाता हूँ, ये डोलन्स का क्रोम AC इन्वर्टर AC है, नया मॉडल है क्रोम इन्वर्टर, क्रोम 30। ये इसमें 2-3 पीस मेरे पास पड़े हुए हैं, किसी को भी चाहिए हो तो रब्ता कर ले मेरे साथ, इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करूँगा ज़रूर। ये देखें, ये डेवलप्स के AC हैं, वो क्रोम था, ये भी क्रोम है, प्लस 30 क्रोम इन्वर्टर। ये देखें, बहुत ही अच्छी AC हैं। तो सीज़न आ गया माशाल्लाह ACOं का, गर्मी चूँकि ज़्यादा होनी है अब नेक्स्ट मंथ, तो किसी को भी चाहिए हो मेरे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना कॉन्टेक्ट करूँगा और आपसे रब्ता भी करूँगा इंशाल्लाह। तो TCL का AC आपको फिर इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, 20 फुट इसकी जो है ना थ्रो है, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, और ये रूम को अपने हिसाब से जो है ना चलाता है, इसमें देखता है कि टेम्परेचर के लिहाज से गर्मी ज़्यादा है, मैंने कितना बिल जो है ना इस पर लोड लेना है, कितना नहीं लेना। तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें, आप अल्लाह हाफिज़। और इसमें आपको एक बात और बताता चलूँ, इसमें स्टार्टिंग अपेयर 9 वाट लेता है, 9 वाट अपेयर जो है ना स्टार्टिंग पे लेते हैं, बाद में जब ये बरकरार हो जाती है इसकी कूलिंग, तो फिर ये 4 अपेयर पे आ जाता है। इसका जो नॉर्मली बिल है वो 3500-4000 रुपये 200 आता है, इससे ज़्यादा बिल नहीं आपको आएगा जी। बहुत अच्छा AC है ये।